नमस्कार दोस्त, मैं लालटून शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे लालटून स्टार यूट्यूब चैनल को। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ सीता जन दृश्य। जो देखिए, यहाँ पुरानी सभ्यता का मूर्ति बनाया गया है और आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए पूरा गेट वीडियो। से शुरू कर रहे हैं। देखिए, चंदाड़ी संग्रहालय दरभंगा का ये मेन गेट है। तो सबसे पहले आपको इनको इन करना पड़ेगा। और आइए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर बने रहे और देखते रहिए पूरा वीडियो। ये जो देख रहे हैं, आइए आपको हम पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। लोग यहाँ मॉर्निंग में आते हैं वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए। और ये देख रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, बहुत ऐसा है जो आते हैं और म्यूजियम घूम के देख के जाते हैं। तो देखिए, ये म्यूजियम का ऑफिस हो गया, चंद्रहारी संग्रहालय दरभंगा का है। और कितना अच्छा से इसको बनाया गया है, देख रहे हैं, चारों ओर कांच से बनाया गया है। देखने में एकदम नेचुरली की तरह लग रहा है और एकदम सुंदर वातावरण यहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं, मिथिला का सबसे चर्चित म्यूजियम संग्रहालय दरभंगा। तो देखिए, यहाँ हरा भरा वातावरण में लोग आते हैं, शांति से बैठते हैं और देखते हैं, घूमते हैं, चारों ओर घूमते हैं। चंदाड़ी संग्रहालय दरभंगा का यह है स्टेशन, दरभंगा जंक्शन से कुछ ही मिनटों के बगल में है। यानी आपको मात्र स्टेशन से 1 मिनट लगेगा पैदल यहाँ संग्रहालय आने में। यहाँ अनेक प्रकार की पुरानी सभ्यता को जो है यहाँ। नमस्कार दोस्त, मैं लालटून शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे लालटून स्टार यूट्यूब चैनल को। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ सीता जन दृश्य। जो देखिए, यहाँ पुरानी सभ्यता का मूर्ति बनाया गया है और आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इससे अच्छा अच्छा वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पुरानी सभ्यता है, सीता जन दृश्य का है। जो देखिए, किस तरह हल बैल लेके जो है यहाँ हमारे जो है जनक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और पूरा आपको लाइव के द्वारा दिखाऊंगा, तो हमारे चैनल पर बने रहें और देख। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ दरभंगा संग्रहालय का कुछ ऐसा दृश्य है जो आप नहीं देखे होंगे, पर देख रहे हैं अहिल्ला उद्धार है। जो देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। और ये मिथिला का सबसे मशहूर म्यूजियम दरभंगा में है, जो रेलवे स्टेशन के करीब 1 मिनट पैदल आप आ सकते हैं इस म्यूजियम में घूमने के लिए। चारों ओर हरा भरा और पुरानी सभ्यता का मूर्ति बनाया गया है यहाँ पर। आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको बारी बारी से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पुरानी सभ्यता का मूर्ति कौन कौन सी बनाई गई है। और यहाँ दर्शाई गए हैं कि ताकि लोगों को देखे तो लोग अच्छे महसूस करें। और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। यह अहिल्ला उद्यान है, स्तंभ बनाया गया है। और देख रहे हैं यहाँ अनेक प्रकार की मूर्ति बनाई गए हैं, पुरानी से पुरानी सभ्यता का मूर्ति बना के यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि म्यूजियम में जो भी लोग आए तो पुरानी सभ्यता को कम से कम याद तो करेंगे। हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और इससे अच्छा अच्छा वीडियो भी आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबा लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मेरा जो है मनोबल आगे बढ़ाएगा। तो इसी तरह हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तो ये देख रहे हैं पुरानी सभ्यता का है, हल बैल, जो हमारे दादा परदादा जो है हल से खेत जोतते थे, वही सीन आपको दिखाया गया है। आप ये देख रहे हैं सीता जन का दृश्य है, और इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपको हेडलाइनिंग का जो है बता दे रहे हैं। ये हल और बैल है, जो देखिए बहुत प्रसिद्ध है, मिथिला का सबसे प्रसिद्ध है हल बैल, जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आगे भी आपको दिखाएंगे अनेक प्रकार के यहाँ पुरानी सभ्यता का मूर्ति बनाई गई है। तो आइए आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए, रूम बना हुआ है म्यूजियम के अंदर ही। ये रूम है, 2 मंजिल का रूम है, इनमें म्यूजियम का जो उपयोगी सामान सब है, सब इसी में है। और
जो ऑफिस के तौर पर जो कार्य होता है सब इसी में कार्य होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है अनेक अनेक प्रकार की मूर्ति जो है पुरानी सभ्यता का बनाई गई है, और जो है अनेक प्रकार के यहाँ मूर्ति आपको हम अपने चैनल के माध्यम से अभी दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए चैनल पर। तो देखिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं इस बिहार के सबसे चर्चित म्यूजियम चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा है, जो रेलवे स्टेशन से करीब 1 मिनट पैदल लगता है यहाँ आने में। और यहाँ जो है और मैथिली भाषा भी यहाँ बोला जाता है। तब अहाँ सबके हम दिखावे छी झरनी के नृत्य का दृश्य छै, जे देखे में कते के मूर्ति जे है बनल छै। अहाँ सब अगर चाहबे कि देखे ला आब तो यहाँ आ सके छी। यहाँ जंक्शन दरभंगा जंक्शन के करीब यानी बग पासे में पड़े छै, 1 मिनट लगे छै पैदल एबे। और यहाँ जे है घूम सके छै, चारू ओर देख सके छै, हरा भरा सेहो छै, पुरान सभ्यता के मूर्ति सब लगल छै और अनेक प्रकार के अहाँ के देखे के लेल मिलत। और यहाँ मिथिला का सबसे प्रसिद्ध 3 चीज माना गया है, जो है पान, मखान और पान। सबसे पहले आपको मिथिला में इसे स्वागत किया जाएगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है। पान यहाँ का फेमस है, मिथिला का फेमस है, जो खाने में भी मज़ा आता है। और मखान जो है सबसे ज़्यादा दरभंगा में जो है उत्पादन किया जाता है। और माछ तो समझते हुए करते हैं यहाँ जो है दरभंगा में माछ का भी कुछ चर्च। अगर मिथिला में कोई कुटुम अगर आते हैं तो उनका मान सम्मान सही ढंग से करते हैं और पुरानी सभ्यता के अनुसार करते हैं, क्योंकि इनका मान सम्मान का जो चर्चित है वो पूरे वर्ल्ड में अपना जो है चर्चित हो चुका है कि मिथिला के जैसा मान सम्मान होना चाहिए। यहाँ सुबह का जो है व्यायाम करते हैं, जवान से लेके बूढ़ तक आते हैं और व्यायाम करते हैं ताकि स्वस्थ रहें। इस म्यूजियम में बहुत ही चर्चित बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो फिर आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखिए बहुत सारा ऐसा पुरानी सभ्यता का मूर्ति यहाँ बना के रखा गया है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फिर तालाब कितना सुंदर लग रहा है, देखने में स्वर्गों की तरह लग रहा है, नेचुरली सीन है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबा लें, ताकि फिर इसी तरह वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।